सीबीआय ने महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या नागपुरातील घरावर सकाळी छापा टाकला असून अनिल देशमुख यांचा मुलगा सलील देशमुख तसेच सलीलची पत्नी रिद्धी देशमुख यांच्या विरुद्ध अटक वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. सध्या मिळालेल्या माहितीनुसार घरात कुटुंबातील कोणतेच सदस्य उपस्थित नसून सकाळी 8 वाजता ही छापेमारी झाली. करोड़ों रुपए के वसूली के मामले में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें कहीं कम होती नजर नहीं आ रही. सबसे खास बात है कि सीबीआई की टीम ने सोमवार सुबह 8 बजे जो है उनके नागपुर स्थित निवास स्थान पर जो है वो छापा मारा है. और ऐसा कहा जा रहा है कि सीबीआई की जो है ये तीसरी बार जो है ये रेड है. और ऐसी जानकारी है कि पिछले 1 महीने से भी ज़्यादा समय से जो है यहाँ पर अनिल देशमुख के परिवार का कोई भी सदस्य नहीं है. ईडी और सीबीआई जो है जब भी जाँच करती है तो ऐसी कार्रवाई जो है वो कई बार की जाती है. और सबसे खास बात है कि दिन ब दिन अनिल देशमुख की जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नज़र नहीं आती, वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ते हुए जा रही है. लेकिन ऐसे में ये तीसरी बार सीबीआई का यहाँ पर आना और सीबीआई का यहाँ पर छापा मारना शायद कुछ दस्तावेज खोजने के लिए या फिर कुछ चीज़ें जो छूट गई हो पिछली जाँच में उसे ढूंढने के लिए जो है वो शायद यहाँ पर सीबीआई की टीम आई है ऐसा कहना होगा. साथ ही एनसीपी के कुछ कार्यकर्ता जो है वो उनके समर्थन में जो है यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो भी कर रहे हैं. और सबसे खास बात ये है कि उनकी ये मांग है कि ये जो मांग है कि कुछ कारणोंवश या फिर व्यक्तिगत राजकीय कारणोंवश जो है जानबूझकर जो है अनिल देशमुख को परेशान करने के लिए जो है इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है. और इसीलिए एनसीपी कार्यकर्ता जो है वो अनिल देशमुख के समर्थन के लिए उनके निवास स्थान पर पहुँचे हैं. वैसे आगे सीबीआई की टीम और ईडीआई की टीम इस रेड के बाद यानी कि इस जाँच के बाद आगे क्या करती है ये तो देखने वाला होगा. लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें जो है वो भी बढ़ रही है. कैमरामैन रोशन के साथ मैं अमोल शिंदे, वीकेबी न्यूज के लिए.